हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस कटनी 2022 का, जो 3 और 4 सितंबर को टोटल 8 शिफ्ट में जो एग्जाम देखने को मिले हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। पेपर का टोटल लेवल कैसा था, पेपर मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए ना, तो जितने भी 8 शिफ्ट में आए हैं वो पेपर कैसा था। दूसरी बात, कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि स्टेट वाइज एग्जाम होता है, ये पैन इंडिया लेवल का एग्जाम नहीं है ना कि पीओ टाइप। जैसे कि पीओ में क्या होता है ना कि आप लोगों का जो कट ऑफ रेट होता है वो पैन इंडिया के अकॉर्डिंग होता है, बट क्लर्क के एग्जाम में क्या होता है ना कि आप लोगों को स्टेट वाइज कट ऑफ जो है वो सेट किया जाता है, जस्ट लाइक आरआरबी। ठीक है ना, आरआरबी में भी आप लोगों का स्टेट वाइज जो वैकेंसी रिलीज किया जाता है, स्टेट वाइज जब आप लोगों का अलॉटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का किस स्टेट में कितना वैकेंसी है। उसके बाद टोटल जो 8 शिफ्ट वगैरह में हुए हैं, तो किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, किस शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा ड्यूएबल ज़्यादा था, किस शिफ्ट में आप लोग किस पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि अगर किसी शिफ्ट में दिए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स उसे जल्दी कर लेता है, जल्दी बना लेता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को थोड़ा सा स्टक करवा देते हैं या फंसा देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कट ऑफ का जो नंबर है वो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज कोई भी नहीं बता सकता है। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक ऐसा रेंज बता दूंगा जिसमें आप लोग अगर उतना अटेम्प्ट किए हैं, दूसरी बात अगर आप लोगों को लगता है कि आपका जो एक्यूरेसी है वो 95% प्लस है, मतलब कि 95% से अगर आप लोगों का जो एक्यूरेसी है वो अधिक है। खासकर एक्यूरेसी आप लोगों का कहाँ गड़बड़ होता है, इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में आप लोगों ने एक्यूरेसी को मेंटेन करके, मतलब जितना भी आप लोग अटेम्प्ट किए हैं, अगर उसमें से थोड़ा सा गलत होता है, मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ऐसा, तो आप लोगों का काम चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक रेंज जो है वो बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार का जो आईपीएस क्लर्क का वैकेंसी है उसमें आप लोगों को पता होगा कि अभी तक जो करंट हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है वो 6000+ वैकेंसीज का है। ठीक है, 6000+ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटते बढ़ते रहता है, इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग 6000+ दे रहे हैं, जिसमें से कुछ ऐसे बैंक्स हैं ना जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया है कि हाँ कितना वहाँ पर जो वैकेंट सीट है या कितना वहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो अभी अकोमोडेशन आना है या जितना भी उसका जो एनालिसिस आना है या जो स्टेटमेंट आना है उसके बारे में अभी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो इस वजह से अभी इसका जो कितना मतलब बढ़ सकता है या कितना इंक्रीज हो सकता है उसके बारे में हमारे पास कोई भी डेटा हमारे हाथ में नहीं है, ना ही मतलब आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, आईपीएस की तरफ से इसका कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं किया गया है या वैकेंसी में आप लोगों को इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। 6000 वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं सच बताता हूँ, इस बार आईपीएस क्लर्क का जो है ना कहीं ना कहीं बहुत ही लेस ये वैकेंसी है, मतलब नंबर अगर बात किया जाए ना तो काफ़ी कम है। लास्ट ईयर आप लोगों को पता होगा आई थिंक 11000+ अप्रॉक्स हम लोग मान लेते हैं, राउंड ऑफ में 12000 वैकेंसी, मतलब कि इसका 2 टाइम्स जो है वो वैकेंसी देखने को मिला था लास्ट ईयर। ठीक है, ओवरऑल जब इंक्रीज हो गया था, पिछली बार भी पहले कम वैकेंसी को रिपोर्ट किया गया था, उसके बाद जब आफ्टर फिर से जो कुछ वैकेंसी का स्टेटमेंट वगैरह डाला गया दिया गया, उसके बाद क्या हुआ ना कि जो वैकेंसी का जो नंबर है वो 12000 के करीब पहुंच गया था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ ये उसका हाफ है। अब दूसरी बात, इस बार जो आप लोगों को एक बात और पता होगा, लिस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, जो एप्लीकेशन वगैरह डाला जाता है, बोलने का मतलब जो फॉर्म अप्लाई किया जाता है ना, वो भी इस बार कम लोगों ने किया था। जब कम लोगों ने किया था तो जितना भी रिक्वायरमेंट होना है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जो पीक कट ऑफ होता है ना वो थोड़ा सा ऑलरेडी मतलब कम जाता है। क्यों, जब ज़्यादा स्टूडेंट लोग या ज़्यादा कैंडिडेट्स जब अप्लाई नहीं करेंगे तो जितना भी फुलफिलमेंट होना है पोस्ट का, वैकेंट सीट्स का या वैकेंट पोस्ट का, वो सबसे पहली बात प्री के बाद आप लोगों को जो मेंस होता है ना, तो प्री में ही मेंस के लिए जितने भी कैंडिडेट्स को फिल्टर किया जाता है ना या जितना भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है वो प्री में उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत ही कॉमन सी बात है। अब उसके बाद वहाँ पर क्या होता है ना कि एक कम से कम डेटा रहता है कि हाँ कम से कम 1 लाख 1.5 लाख या 90000 इतने स्टूडेंट्स को तो कम से कम मेंस के लिए लेना है। उसके बाद ही वहाँ पर मेंस के बाद जो है वो आप लोगों का फाइनल अलॉटमेंट या जो मेरिट लिस्ट बनता है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पर अलॉट किया जाता है। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ पर इस बार जो वैकेंसी के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया है या फॉर्म फिल किया है वही मतलब बहुत ही कम लोगों ने किया है, तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा लोअर साइड पर रहेगा। ठीक है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लोअर साइड पर रहेगा। ठीक है, अब उसके अलावा मैंने खुद भी जब एग्जाम दिया ना तो मैं आपको सच बताता हूँ, इंग्लिश जो था वो थोड़ा ड्यूएबल था, लेकिन फिर भी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट को, यहाँ तक कि जो लोग इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ रखे होते हैं उसके बावजूद भी उनसे गलती हो जाती है, वो लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक या कुछ कॉमन एरर्स जो होते हैं वो कर देते हैं, और उसके बाद होता क्या है कि उनका एक्यूरेसी जो है वो गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जितना भी अटेम्प्ट हो, चाहे वो 27 करें, 28 करें, 30 में 30 कुछ लोग कर देते हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल जो स्कोर बन के आता है, रॉ स्कोर बन के आता है, जितना भी कुछ गलत हो गया उसके बाद या तो निगेटिव अप्लाई करने के बाद,
वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि हाँ भैया कुछ लोगों का 20 से कम हो गया, कुछ लोगों का तो ऐसा मैंने देखा है कि वो लोग 30 में 30 करके आए हैं, 28 करके आए हैं, 27 करके आए हैं, 25 करके आए हैं, और उन लोगों का जो रॉ स्कोर बना है इंग्लिश का वो 13.75 बना है, 14 बना है, 15 बना है, 16 बना है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है। और ये सब मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है बिकॉज मैंने बहुत सारे एग्जाम फेस किया है ना, और उसके अलावा मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बात होता है, एंड इवन मैंने कुछ के स्कोर कार्ड वगैरह देखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये फैक्ट है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लें, आपको जो लग रहा है कि वो सही हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपको बस ऐसा लग रहा हो कि हाँ सही है, बट क्या पता कहीं वो गलत निकल जाए, बिकॉज ये सिर्फ आपके लगने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना इंग्लिश का, जो जितना भी कोर्सेज वगैरह आते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोई भी सियोर नहीं बता सकता है कि हाँ उसका 30 का 30 सही हो जाएगा या 27 का 27 सही हो जाएगा, इस वजह से आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स भी कहीं ना कहीं जो है ना सिंप्लीफिकेशन वगैरह हर शिफ्ट में देखने को मिला है, और आई थिंक के 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, जहाँ तक मैंने चेक किया है रिव्यू वगैरह, ठीक है, जितने भी शिफ्ट का है। और सेल्फ गिवन एनालिसिस तो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। 3 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना जो एनालिसिस है वो वहाँ पर आप लोगों को दिया है, बताया है। मैथ्स का जो सेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं ड्यूएबल था, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट उसमें फंस गए होंगे बिकॉज डीआई के जो क्वेश्चंस थे ना वो थोड़े से कैलकुलेटिव थे और लेंथी थे। डीआई का जो डेटा फाइंड करना होता है या डेटा जिसे इंटरप्रिट करना आता है या एक्सट्रैक्ट करना आता है वो डेटा इंटरप्रिट कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने का बात आता है ना तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया जाए खासकर डीआई में तो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं। दूसरी बात, हर एक बंदा या हर एक स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा नहीं होता है, कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे होंगे, कुछ लोग रीजनिंग में अच्छे होंगे और कुछ लोग मैथ्स में अच्छे होंगे। बहुत ही रेयर ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो लोग तीनों में अच्छे होंगे या दोनों सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, दोनों सब्जेक्ट कौन सा, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। और मैथ्स में उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि अर्थमेटिक से अपने आप को बहुत ही कोसों दूर रखते हैं, बोलते हैं कि भैया अर्थमेटिक को मतलब दूर से ही ऐसे प्रणाम कर लेते हैं कि भाई मतलब तुम तो वहाँ को बर्बाद कर दोगे यार, पता नहीं उनको किस बात का भय होता है, डर होता है, खौफ होता है अर्थमेटिक से कि वो लोग मतलब उससे भूत पिशाच टाइप मतलब उसे दूर भागते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सिम्प्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया या डीआई हो गया उतना बना के वो लोग मतलब पेपर को छोड़ देते हैं, उनके अकॉर्डिंग लगता है कि हाँ उनका अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन फिर भी वैसे वो अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन मोस्टली जो कट ऑफ होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो लोग अर्थमेटिक में 35 में 35 करके आएंगे या 30+ करके आएंगे और रीजनिंग में 30+ या 35 में 35 करके आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन उन्हीं का नहीं होगा या सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ उनके अटेम्प्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं होगा, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, कट ऑफ इज नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट्स विद हाई अटेम्प्ट्स ओनली, मतलब कि जिन लोगों ने 90+ किया है, जिन लोगों ने 85+ किया है या जिन लोगों ने 90 किया है, जिन लोगों ने 89 किया है, वैसे मैंने 89 किया था, मैंने टोटल 89 किया था, ठीक है, 26 मैंने इंग्लिश में किया था और मैथ्स में मेरा 30 रहा है, रीजनिंग में 33 किया है मैंने, ठीक है। एक्चुअली मेरे लिए वो पेपर थोड़ा सा डुएबल था बिकॉज मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कहने के स्ट्रॉन्गर साइड पे, खासकर रीजनिंग मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है, और दूसरी बात क्या है कि मैथ्स में मैंने 30 किया है, मैंने 5 क्वेश्चन जो है वो एक क्वेश्चन मैंने मिसिंग नंबर सीरीज का छोड़ दिया था, वो मुझे लगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा नहीं बन पाएगा तो मैंने उसे छोड़ दिया, और वहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन जो डीआई का थोड़ा सा लेंदी था मैंने उसे छोड़ दिया था, और 3 क्वेश्चन जो मैंने अर्थमेटिक के हैं वो छोड़ दिए थे, ठीक है, बिकॉज मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं देखिए जो मुझसे नहीं हो पाता है मैं उसे तुरंत छोड़ देता हूँ, बिकॉज मुझे उन क्वेश्चन को घर में ले आके अपना दुल्हन या टाइप मतलब ऐसा नहीं बनाना है कि हाँ मैं उसे लेके आ जाऊँ और यहाँ पर अपना जीवन साथी बना के रखूँ, वो सब तो नहीं होता है ना। एग्जाम का क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है बनाइए, छूट रहा है या मतलब नहीं बन रहा है आपको फंसा रहा है छोड़ के आगे बढ़िए, ठीक है, वो आपका जो सिलेक्शन है वो तय नहीं करेगा, ठीक है। हो सकता है कि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन में, हो सकता है कि वो आपको सिलेक्शन दिला दे, ऐसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ठीक है ना। तो बात क्या है कि ये मेरा अटेम्प्ट था 89, तो जितने भी लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हाई अटेम्प्ट किए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। आईपीएस का जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी है या जो भी मतलब वहाँ पर एग्जाम एनालिसिस बॉडी आप लोग उसे कह सकते हैं, वो लोग जो कट ऑफ डिसाइड करते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के उन कैंडिडेट्स के बेसिस पर नहीं करते हैं जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया होता है या जिन लोगों ने 90+ अपना अटेम्प्ट किया है, ठीक है। कट ऑफ जो डिसाइड होता है वो एवरेज कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हाँ मोस्टली स्टूडेंट ने देखा जाए तो कितना ऐसा रेशियो बनता है जिसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो है मतलब कि स्टूडेंट जो है वो 75+ या 72+ कह सकते हैं इसके रेंज में है। और मैं सच बता रहा हूँ, ये फैक्चुअल बात है, मैं कुछ भी ऐसा मुंह उठा के नहीं बोल रहा हूँ,
मेरा पहले का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, मैं अभी भी बहुत सारा ऐसा रिव्यू देखा, मैंने बहुत ही एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तब जाके मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वैसे तो मैं कट ऑफ वगैरह के लिए जल्दी बात नहीं करता हूँ, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आता है कि हाँ इसका बात ही क्यों करना। एग्जाम दे के आए, एग्जाम अच्छा गया अच्छी बात है, एग्जाम अच्छा नहीं गया, अगर आप लोगों के पास मौका है, आप लोगों के पास समय है और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का कहाँ पे वीक पॉइंट है, कहाँ पे आप लोगों से कमी हुआ है, कहाँ पे आप लोगों को सुधार करने का जरूरत है, कहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का जरूरत है, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करने का जरूरत है, या किस सब्जेक्ट को आप लोगों ने अच्छे से कवर नहीं किया है, कंप्लीट नहीं किया है, कहाँ पे आप लोग कुछ छोड़ चुके हैं, किस टॉपिक का आप लोगों को प्रैक्टिस का जरूरत है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जो भी बंदा एग्जाम में बैठता है ना, उसको उसके बारे में सबसे ज्यादा पता होता है, ठीक है। कोई भी टीचर या कोई भी गाइड या कोई भी नहीं बता सकता है उसके बारे में कि हाँ बेटा यहाँ मतलब तुम्हारा कहाँ पे कमी है, कहाँ पे तुम्हारा वीकनेस है। स्टूडेंट को पता होता है उसका वीकनेस और उसका स्ट्रेंथ, कोई दूसरा नहीं बता सकता है, कोई भी दूसरा नहीं, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्जाम दिए हैं, आप लोगों को खुद पता होगा कि हाँ कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है और कहाँ पे आप लोगों का जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग मतलब कर पा रहे हैं, या किस टॉपिक में आप लोग अच्छे हैं, किस टॉपिक में वीक है। सिंपल सा मेरा यही कहने का मतलब है। तो कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। तैयारी करके आए हैं आप लोग, तैयारी किए हैं, एग्जाम दिए हैं, एग्जाम में अच्छा हुआ ठीक है, एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ मौका है, आगे बढ़िए, दूसरा एग्जाम का तैयारी कीजिए, जहाँ पे कमी हुआ है उसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, पेपर को जाकर फोड़ डालिए, बस यही है सिलेक्शन लेने का सबसे अच्छा तरीका, ठीक है ना। बिकॉज कट ऑफ के बारे में अगर आप लोग वीडियो देखेंगे या कट ऑफ के बारे में मान लीजिए अगर सोचेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे कि हाँ भाई मैंने इतना अटेम्प्ट किया था, क्या पता मेरा कट ऑफ क्लियर होगा कि नहीं होगा, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो कीमती समय है ना, जो आगे आने वाले दूसरे एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस कीमती समय को आप लोग गवा बैठेंगे, आप लोग वेस्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह का हरकत करने से प्लीज बचें। आप लोगों को मैच्योरिटी के साथ एक सेंसिबल डिसीजन लेने की जरूरत है कि हाँ पेपर में अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हमारे पास मौका है तो चलो आगे देखते हैं। ये मैं अपने तरफ से बता रहा था, ये मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, बाकी जिसकी जैसी सोच, ठीक है ना। पेपर तो मैंने बता दिया कि मॉडरेट था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर जो है वो ड्यूएबल नहीं हो सकता है, हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर इजी नहीं हो सकता है, और हर एक स्टूडेंट के लिए पेपर जो है वो मॉडरेट भी नहीं हो सकता है, ना ही टफ हो सकता है। बहुत सारे टफ पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, क्योंकि उनका प्रैक्टिस वैसा है, उनका कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज है वो ऐसे उस तरह का है, या उनका जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग इजी क्वेश्चन में ही फंस जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन वगैरह 15 क्वेश्चन को करने में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि 15 मिनट लगा दिए होंगे, 10 मिनट लगा दिए होंगे, और उन्हीं 15 सिंप्लीफिकेशन को बहुत सारे लोग 4, 5, 6 मिनट में निपटा दिए होंगे। तो इस तरीके से जो कट ऑफ है ना, वो एवरेज स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे ही डिसाइड किया जाता है, ठीक है। रीजनिंग की भी बात मैं कर लूँ, रीजनिंग में भी मैं सर बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो कि मिसलेनियस को कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मिसलेनियस में एक टॉपिक ऐसा है ब्लड रिलेशन, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, या वो वहाँ पर थोड़े से फंस जाते हैं। एक्चुअली वो बहुत ईजी टॉपिक है, बट पता नहीं क्यों वो फंस जाते हैं, शायद लैक ऑफ प्रैक्टिस या लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो लोग थोड़ा सा वहाँ स्टक हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, रीजनिंग में आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का वेटेज बढ़ाता है क्वेश्चन का, वो होता है पजल, मतलब पजल का सेक्शन, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। एक्चुअली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को मैं एक ही समझता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसे पजल ही कहता हूँ, बिकॉज वो पजल ही है, ठीक है ना। तो पजल में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी एग्जाम में जाकर फंस जाते हैं, क्यों, कहीं ना कहीं वो थोड़े से मतलब पेशेंस खो बैठते हैं या पैनिक हो जाते हैं, या होता क्या है ना कि एग्जाम में सबसे पहले आप लोगों को किसी भी सेक्शन में डूएबल क्वेश्चंस को या मिसलेनियस क्वेश्चंस को या तो इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले करना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक को मिसलेनियस में नहीं कहूंगा, मेरे लिए अर्थमेटिक जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी प्रायोरिटी वाला टॉपिक है, बट अर्थमेटिक में मैथ्स में या क्वांट में अगर मिसलेनियस का बात किया जाए तो वो होता है स्पीड मैथ्स का टॉपिक। स्पीड मैथ्स का जितना भी टॉपिक आ गया ना, जिसमें आप लोगों का नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया, एंड इवन डी आई हो गया, उसके बाद जो अर्थमेटिक है वो तो टॉप प्रायोरिटी पे आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है ना। बोलने का मतलब उसे ही आप लोगों को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए कि हाँ चलो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले स्पीड मैथ्स को निपटाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट मैं जो भी बोलूंगा ना, हो सकता है कि आप लोगों के फ्यूचर में आने वाले जो भी एग्जाम है उसके लिए आप लोगों को कुछ सिखा के चला जाए, क्योंकि मैं ऐसे ही, पहली बात मैं ये वीडियो नहीं करना चाहता था, बट जरूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो कट ऑफ को लेकर परेशान होते हैं, या तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि हाँ प्रिपरेशन को हम लोग कैसे सही डायरेक्शन में लेके जाएं, बहुत ज़्यादा वो लोग गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। दूसरी बात, हर बार एक ही रिपीटेड मिस्टेक करते हैं, हर बार रिपीट कर रहे हैं वही गलती वही गलती वही गलती। जब आप लोग एक ही गलती को बार बार दोहराएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से पाएंगे, वाह वाह, ठीक है ना। तो हाई अटेम्प्ट जिनका भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले एक रेंज बता देता हूँ कि किसी भी स्टेट के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है क्या देखने को मिल सकता है। जिन भी स्टूडेंट ने
सही में एक्यूरेसी को मेंटेन करके अगर 75+ अटेम्प्ट किया है, या जिन्होंने 80+ किया है ना, आप लोगों का पेपर तो सच में क्लियर है, लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर एक्यूरेसी खराब है तो भैया आप लोग 90 करके भी कुछ कवा नहीं पाइएगा। एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ, बुरा लग सकता है लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कवा पाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग का एक्यूरेसी अच्छा है तो आप लोग 75 में भी पेपर को क्लियर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैंने ये अटेम्प्ट का बात कर दिया, अब उसके बाद जो कट ऑफ का रेंज है ना, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए मैं कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए कट ऑफ, आप लोगों का जो कट ऑफ बन सकता है वो इन माई ओपिनियन एंड इवन जो भी मैंने एनालिसिस एंड रिव्यू वीडियोज देखे हैं, और ऊपर से कुछ मैंने बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि हाँ उन लोगों का प्रिडिक्शन ज़्यादा सही होता है, तो उनके अकॉर्डिंग भी मैं बता रहा हूँ, और जो मैंने खुद का ये पेपर दिया है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब मुझे कमेंट आया था, एंड इवन मैंने कुछ स्टूडेंट्स से खुद भी पर्सनली बात किया है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। एंड इवन मैं आपको एक बात और बताऊँ, मेरे खुद के भाई ने, मेरे खुद के छोटे भाई ने है ना, आज मतलब कि ये देख लीजिए 4 सितंबर को 3rd शिफ्ट में पेपर दिया है, ठीक है। तो उसका जो अटेम्प्ट रहा है उसने 91 अटेम्प्ट किया है, वो एक्चुअली मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उसका इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एक्चुअली वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे जो पता चला वो मैं सच बताता हूँ, पेपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डुएबल था, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा करके आए होंगे और उसने 91 किया है, और जो मेरा अटेम्प्ट है वो मैंने बता दिया, मेरा 89 था, ठीक है। तो जो कट ऑफ जा सकता है, कट ऑफ का रेंज जा सकता है स्टेट वाइज, ठीक है ना, से 79 के बीच में आप लोगों का मोस्टली स्टेट का जो कट ऑफ निपट जाएगा। दूसरी बात, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां पर आप लोगों का जो रेयर ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा 80+ ला जाता है या 80 तक टच हो सकता है, ठीक है। तो उन स्टेट्स के लिए तो मैं सच बताता हूँ, एक्चुअली वहां पर कारण क्या है ना कि वहां पर जो कंपटीशन होता है वो थोड़ा सा काफी ज्यादा हाई होता है। दूसरी बात, वहां पर का वैकेंसी भी मैटर करता है कि हाँ वैकेंसी आप लोगों का कितने अमाउंट में है, लेस वैकेंसी है या हाई वैकेंसी है, ठीक है, बोलने का मतलब कम वैकेंसी है ज्यादा वैकेंसी है। तो कट ऑफ का जो रेंज रह सकता है वो आप लोगों को मोस्टली स्टेट्स में 74 to 79 ही देखने को मिलेगा, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी अगर अदर कैटेगरी का बात किया जाए तो हर एक कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर जनरल कैटेगरी का बात किया जाए तो 74 to 79 अगर आप लोगों का स्कोर बन रहा है तो मैं सच बताता हूँ आप लोग सिलेक्टेड हैं, आप लोगों को मेंस का तैयारी करना चाहिए। अब उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस वीडियो का मेरा करने का मेन कारण था, क्या था ना, इस वीडियो को करने का जो मेरा मेन सबसे कारण था, रीजन था, वो ये है, पर क्या आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, आप लोग काफी ज्यादा अच्छा इंग्लिश में है, ठीक है ना। जब भी आप लोग मेंस के लिए तैयारी करेंगे, मेंस परीक्षा के लिए, मेंस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो आपका जो प्रिपरेशन है ना वो बर्बाद नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले समय में आप लोगों के पास आरआरबी क्लर्क का प्री जो आप लोग दिए होंगे, आरआरबी पीओ प्री दिए होंगे, उनका मेंस है, आईपीएस पीओ का आप लोगों को मेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जब आप लोग मेंस को अभी से ही टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, प्रिपरेशन उसके लिए करना स्टार्ट कर देंगे सारे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज, तो क्या आगे आने वाले समय में भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा? अगर मान लीजिए आईपीएस पीओ प्री आप लोग टारगेट कर रहे हैं, आपका आईपीएस पीओ प्री का भी एग्जाम देखने को अगर मिलेगा, तो क्या आप लोग इतने मतलब बेवकूफ़ हैं, इतने आप लोग मतलब डम स्टूडेंट हैं कि हाँ आप लोग अपने आप को इस लायक नहीं बना सकते हैं इस एक महीने में कि आईपीएस पीओ प्री को आप लोग फोड़ के रख दें, आप लोग मतलब उसमें सिलेक्शन ले लें, आप लोग उसका कट ऑफ क्लियर कर दें, यहाँ तक कि कट ऑफ से भी आप लोग 10-12 नंबर ऊपर लेके आए। प्लीज अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को तैयारी करना चाहिए, आप लोगों को बैंक में जॉब चाहिए, प्लीज मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, बना टाइम वेस्ट अगर आप लोगों को करना है ना, तो सच बोलता हूँ तैयारी आप आज के दिन छोड़ दीजिए, मतलब आज के आज आप लोग तैयारी को छोड़ दीजिए, जितना भी किताब वगैरह जितना भी आप लोगों ने मॉक वगैरह लिया है वो किसी और को दे दीजिए, बेचारे का यूज आ जाएगा, ठीक है ना, और सब मतलब बोला बिस्तर बांधिए, बैंक का तैयारी छोड़ दीजिए, घसक लीजिए, बेकार का टाइम वेस्ट करने वाले स्टूडेंट का कभी तैयारी नहीं, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जो सही से सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके सही प्लानिंग के साथ बैंक का प्रिपरेशन को करता है और प्रैक्टिस करता है, जहां पर कमी रहता है उस कमी को ओवरकम करता है, जो भी लूप होल्स हैं उसे ओवरकम करता है, ठीक है ना, या रेक्टिफाई करता है, उसके बाद ही उन लोगों का सिलेक्शन देखने को मिलता है, वरना ऐसे ही नहीं है कि हम उठा के कोई भी एग्जाम देगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा,
बिल्कुल, ये मैं फैक्ट बोल रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। और उसके अलावा मैंने मेंस के लिए ऑलरेडी एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मास्त्र जो भी है, ब्रह्मास्त्र कंप्लीट मेंस स्ट्रैटेजी के नाम से वो वीडियो है, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे ज्वाइन करें। वहां पर मैं आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस देता हूँ, आप लोगों को एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टीचर को फॉलो करना चाहिए इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है, चाहे वो प्री के लिए हो, और मतलब क्लर्क का प्री हो, क्लर्क का मेंस हो, पीओ प्री हो, पीओ मेंस हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, मैं सबके लिए आप लोगों को वहाँ पर पर्सनली आप लोगों को सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ, हेल्प करता हूँ, आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, और आप लोगों को जितना भी डाउट है वो मैं मतलब हैंड टू हैंड क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारा पीडीएफ जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल जो हो गया बहुत ही अच्छे लेवल का वो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, आप लोग चाहें तो उसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, आप लोगों को कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेने का जरूरत नहीं है बोलने का मतलब कोई भी जो पीडीएफ बंडल टाइप का जो आप लोगों को सुनने को मिलता होगा ना, वो सब फिलहाल लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब एक्चुअल टाइम वेस्ट होता है, आप लोग मतलब उसका क्वेश्चन को है ना वो बना नहीं पाइएगा, चार क्वेश्चन बनेगा, पांचवा क्वेश्चन नहीं बनेगा, छठा क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, उस पीडीएफ को छोड़ देंगे, आप लोगों का जो पैसा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, किसी भी पीडीएफ में आप लोगों को सॉल्यूशन जो है ना वो आप लोगों के अकॉर्डिंग नहीं मिल सकता है, बिकॉज जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन कौन करेगा, एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को चाहिए होता है ना, बिकॉज वो प्री का नहीं भैया, मेंस वगैरह के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्री के लिए भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन का बहुत ज्यादा नीड होता है, लेकिन पीडीएफ वगैरह से पढ़ने की वजह से आप लोग एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा होगा जो मैंने गलत बोला है, माफी भी नहीं मांगेंगे भाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आईपीएस पीओ प्री के लिए लास्ट 5 ईयर्स का, ये जितने भी ईयर्स का मुझे कंप्लीट अगर पजल्स का वीडियो, पजल्स का जो भी क्वेश्चंस मिल जाएगा ना तो उसे मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा, ठीक है। और आईपीएस क्लर्क के लिए मैंने ऑलरेडी 5 ईयर्स का जितना भी लास्ट 5 ईयर्स में आए हुए पजल्स हैं वो मैंने करवा दिया था, ठीक है। उसके अलावा मेंस के लिए भी मैं मेमोरी बेस्ड पेपर जो है वो आरआरबी क्लर्क मेंस का, आरआरबी पीओ मेंस का, आईपीएस क्लर्क मेंस का, आईपीएस पीओ मेंस का मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, और क्रिटिकल रीजनिंग भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।